अहमदाबाद की एक अदालत आज SIT के मामले को बंद करने की रिपोर्ट के खिलाफ ज़ाकिया जाफरी की याचिका पर आज अपना फैसला सुना सकती है। टीम ने 2002 के दंगा मामले के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 58 अन्य को क्लीन चिट दी थी। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि तमाम अड़चनों के बावजूद आम आदमी पार्टी जनता से किए वादों को पूरा करेगी। शपथ ग्रहण से पहले ही केजरीवाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों से मिलना किया शुरू। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार गठन के 24 घंटे के अंदर दिल्ली के लोगों को 700 लीटर मुफ्त पानी मुहैया कराएगी। केजरीवाल ने सरकार बनने के 15 दिन के भीतर जन लोकपाल बिल पारित कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोयला मंत्रालय ने आवंटित कोयला खदानों का विकास निर्धारित समय पर नहीं करने को लेकर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज तथा महानदी कोल फील्ड समेत 8 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मंत्रालय ने JSW स्टील, टाटा स्टील तथा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन समेत 5 कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा। कश्मीर घाटी के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के एक आतंकवादी को ढेर किया। पुलिस ने बताया है कि आतंकवादी की भी पहचान नहीं हो पाई है। हैदराबाद के शमशाबाद के औद्योगिक क्षेत्र की एक रबर फैक्ट्री में लगी आग में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस आग की घटना के कारणों की जांच कर रही है और फैक्ट्री के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार संभला। सेंसेक्स आज 54 अंक की तेजी के साथ 21,087 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 11 अंक की बढ़त के साथ 6,279 अंक पर पहुंचा। मिस्र में सेना समर्थित अंतरिम सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित किया। सरकार का कहना है कि इस हफ्ते की शुरुआत में एक पुलिस मुख्यालय पर किए गए हमले में मुस्लिम ब्रदरहुड का हाथ है। अमेरिका ने कहा है कि घरेलू कर्मियों के रोजगार का मुद्दा अब भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के एजेंडे में होगा। साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारी मुद्दे के समाधान के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। रूस ने ग्रीन पीस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले खत्म कर दिए हैं। रूसी सरकार की ओर से आर्कटिक क्षेत्र में तेल के कुओं से जुड़ी परियोजनाओं का विरोध करने वाले 30 प्रदर्शनकारियों में से 29 के खिलाफ लगे आपराधिक केस में माफी देने का आदेश जारी किया गया है। ब्रिटेन में दक्षिणी और केंद्रीय इंग्लैंड के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के डोरसेट में नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। आपात एजेंसियों ने इस इलाके से सैकड़ों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।